धर्मनगरी भिलवाड़ा में 260 वर्षों बाद एक नया अध्याय और जुड़ने जा रहा है। अब 17 जुलाई को तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण नगर प्रवेश करेंगे। आचार्य महाश्रवण का तेरापंथ नगर में 18 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। नगर प्रवेश के दौरान मंडपिया ग्राम से आदित्य विहार तक उनका शोभा यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके प्रवेश के लिए नगर में 3 प्रवेश द्वार आचार्य महाश्रवण, आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ और आचार्य भिक्षु भारमल बनाए गए हैं। तेरापंथ नगर में बनाए गए चातुर्मास स्थल पर आचार्य महाश्रवण के रोजाना प्रवचन के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तेरापंथ समाज ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस चातुर्मास में आचार्य महाश्रवण के साथ 250 जैन संत साध्वियों के साथ 350 मुमुक्षु बहने भी शामिल होंगी। आचार्य महाश्रवण के चातुर्मास को लेकर तेरापंथ नगर में 42 बीघा जमीन पर महाश्रवण सभागार के साथ ही उनके निवास के लिए कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही आदित्य विहार में भी देश विदेश से आने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए आवास निर्माण किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, 3.5 लाख लीटर पानी स्टोरेज टैंक, 3 बोरिंग व चंबल पाइपलाइन भी डाली जा रही है। भोजन के लिए 45,000 वर्ग फीट की भोजनशाला का निर्माण भी करवाया गया है, जहां पर दोनों समय 3 से 4 हजार व्यक्ति भोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही आचार्य महाश्रवण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति ने कई व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। वहीं राज्य सरकार ने भी आचार्य महाश्रवण को राजकीय अतिथि का दर्जा प्रदान कर दिया है। आचार्य श्री महाश्रवण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया ने कहा कि आचार्य महाश्रवण के 260 साल बाद होने जा रहे चातुर्मास को लेकर व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। चातुर्मास के लिए 90 बीघा का कैंपस तैयार किया गया है, जिसमें 42 बीघा तेरापंथ नगर में और आदित्य विहार में 50 बीघा में ये निर्माण किया गया है। आदित्य विहार में देश विदेश से आने वाले श्राविक श्राविकाओं के लिए 2 BHK के 135 और 1 BHK के 70 आवास तैयार किए गए हैं। हमने तेरापंथ नगर में 400 सिंगल कुटीर, 18 डोरमेट्री, 25 दुकानों के साथ ही 60,000 फिट और 12,000 फिट के प्रवचन हॉल बनाए हैं। आचार्य महाश्रवण के चातुर्मास में आने वाले श्रावकों और श्राविकाओं के लिए 45,000 वर्ग फीट की भोजनशाला निर्माण करवाई गई है, जिसमें रोजाना 3 से 4 हजार व्यक्तियों के भोजन करने की व्यवस्था है। आचार्य श्री महाश्रवण जी चातुर्मास प्रवास हेतु भिलवाड़ा में पहली बार 18 जुलाई को पदार्पण करेंगे। आपके साथ में कम से कम 250 साधु साध्वी एवं मुमुक्ष बहने समणी जी, करीब उनकी संख्या भी संभवतः 100 करीब होगी। कुल मिला के 350 की संख्या के आसपास यहाँ पे विराजना होगा। जो देश विदेश से जो श्रावक आएंगे उनके लिए 2 BHK 135, 1 BHK 70, सिंगल कुटीर 400, डोरमेट्री 25 शॉप्स, उसके अलावा 45,000 फीट की भोजनशाला, 10,000 फीट का आवास कार्यालय, उसके अलावा 60,000 फीट का एक बड़ा पंडाल एवं 12,000 फीट का एक छोटा पंडाल, एक तेरापन नगर जो कि 42 बीघे में बसा हुआ है, वो उसमें करीबन 60 मकान बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तेरापन नगर हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 350 प्लॉट्स है, उसके अलावा पास में करीब 50 बीघे जमीन श्रीमान तिलोक जी छाबड़ा, उमराव जी संचेती, प्रकाश जी छाबड़ा, एम पराक्रम जी चौधरी, इन्होंने अपने को उपलब्ध कराई है, जहाँ पे पूरी चतुर्मासी गतिविधियां का निर्माण कार्य चल रहे हैं। सुतरिया ने यह भी कहा कि इस नगर को बनाने की योजना हमें तब मिली जब हम नेपाल गए थे और मेरी माँ ने कहा कि ऐसा कोई बड़ा काम हमें भी भिलवाड़ा में करवाना चाहिए। इसके बाद हमने इसको लेकर साध्वी कमल प्रभा से बात की और उन्होंने हमें इसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए यह सबसे बड़ी रूपरेखा, जब नेपाल में मेरी मदर और हम खड़े थे वहां पे, तो मदर ने बोला भी कि हम गांव से आए हुए हैं तो अपने को कुछ काम करना चाहिए भिलवाड़े में। तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि मैं वहां पे एक नगर बसाएं, तेरापंथ नगर। और उसके लिए फिर मैंने गुरुदेव जो टहल रहे थे उस टाइम पे, सुबह का समय था, तो गुरुदेव को निवेदन किया कि एक भाव मेरी एक भावना है कि भिलवाड़ा में तेरापंथ नगर बसे,
इसके लिए आप मंगल आशीर्वाद फरमाएं। पर उसी टाइम पे अब मतलब हमने मंगल पाठ सुना और उसके बाद में साथी श्री कमल प्रभा जी जो कि अभी देवलोक हो गए हैं उनका भी विशेष आशीर्वाद रहा। अरे ये कि तेरापन नगर की जो परिणति हुई वो अब ये सपना अभी साकार होने जा रहा है। समिति के संयोजक अनिल तलेसरा ने कहा कि भिलवाड़ा के इतिहास में धर्म के संबंध में यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हमने इसमें विशाल स्तर पर व्यवस्थाएं भी की है जिसमें प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर अस्थायी पुलिस चौकी और सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए भी हमने यहां पर 2 कोविड वार्ड बनाए हैं जिनमें यदि कोई संक्रमित होता है तो उसका इलाज किया जा सकेगा। कि भिलवाड़ा वैसे भी अपने आप में एक धर्म नगरी के नाम से काफी विख्यात है। काफी सालों से यहाँ काफी धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी क्रम में तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाशमन जी 18 जुलाई को लगभग 200 से 250 साधु संतों के साथ इस धर्म नगरी में प्रवेश करेंगे। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हमने बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की है और सारी व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही की गई है। हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो सुरक्षा पे होगा, दूसरा कोविड की गाइडलाइंस पे होगा और उन्हीं को नज़र रखते हुए हमने सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध किए हैं। एक पुलिस चौकी का भी अस्थायी पुलिस चौकी का भी प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, उसको हम लोग शीघ्र ही निर्माण करके और पुलिस की माकूल व्यवस्थाएँ करेंगे। कोविड के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे 2 कोविड के वार्ड बनाने का भी फैसला किया है जहाँ पे अगर किसी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो हम तुरंत उसको इलाज प्रदान करा सके। प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग है। समिति के ट्रस्टी पंकज ओसवाल ने कहा कि हमारे में हर्ष की लहर है कि राज्य सरकार ने आचार्य महाश्रमण को राज्य की अतिथि का दर्जा प्रदान किया है। यहाँ पर आचार्य महाश्रमण के प्रवचनों के साथ ही अन्य साधु संतों के प्रवचन भी रोजाना होंगे। इसके साथ रोजाना समाज के विभिन्न मंडलों द्वारा भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे। इस चातुर्मास में मुमुक्षों संतों और साध्वियों को दीक्षा के 2 कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दीक्षा के कार्यक्रमों को देखना अत्यंत दुर्लभ होता है, ऐसे में इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भक्त आकर इसका लाभ लेंगे। राजस्थान सरकार ने गुरुदेव आचार्य श्री को राजकीय अतिथि का पद भी दिया है। इससे गुरुदेव ही नहीं सभी तेरापन समाज के प्रति भी हर्ष का विषय है। इस चतुर्मास काल में जो हमारी जो संघीय संस्थाएं हैं, तेरापन महासभा, तेरापन युवक परिषद, महिला मंडल, तेरापन प्रोफेशनल फोरम की जो संघीय संस्थाएं हैं उनके भी अनेकों अनेक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु पधारकर इसमें आप धर्म का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग तरह की जो कमेटियां बनाई गई है मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि भाई सिक्योरिटी कमेटी, कोविड कमेटी, मेडिकल कमेटी, उसके अलावा प्रवास कमेटी, इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, वाटर कमेटी, पंडाल कमेटी, भोजन कमेटी, ये सब कमेटियों में जो संयोजक सहसंयोजक हैं वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और स्वागत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस चतुर्मास को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगी। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवरत्न मल झाबक ने कहा कि मैं 79 वर्ष का हो चुका हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आचार्य महाश्रमण का भिलवाड़ा में चातुर्मास हो और अब मेरी वह कामना पूर्ण हो रही है जिसके कारण मुझे बड़ी खुशी है। इस चातुर्मास को भव्य बनाने के लिए हम अपना पूरा जोर लगा देंगे और इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। मेरी पूर्ण इच्छा थी कि जब भी चातुर्मास भिलवाड़ा में होगा तन मन धन से सहयोग करूंगा। मतलब 260 वर्षों में किसी आचार्य का चतुर्मास हमारे भिलवाड़े में नहीं हुआ। आपने समझ 2021 का चतुर्मास भिलवाड़े में फरमा करके उन्होंने कृपा की और मुझे अति प्रसन्नता है कि भिलवाड़े में जो चतुर्मास होगा वो ऐतिहासिक चतुर्मास होगा और सब साधु संत आप लेकर के पधारे, यही मेरी मनोभावना, यही मेरी इच्छा है। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष ज्ञान चंद्र काठेर ने कहा कि वर्ष 2014 में आचार्य महाश्रमण ने दिल्ली के लाल किले से मेवाड़ के भिलवाड़ा में चातुर्मास की घोषणा करते हुए अपनी अहिंसा यात्रा शुरू की थी। दिल्ली से नेपाल गए जहां पहला चातुर्मास वर्ष 2015 में नेपाल, 2016 में गुवाहाटी, 2017 में कलकत्ता, 2018 में चेन्नई, 2019 में बेंगलोर और 2020 का चातुर्मास हैदराबाद में किया। इस दौरान 2018 के चातुर्मास में उन्होंने 2021 के चातुर्मास की घोषणा भिलवाड़ा में करने को कही थी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की अनुकूलता के अनुसार सन 2021 का चतुर्मास
राजस्थान में मेवाड़ में भीलवाड़ा में करने का। वह शुभ घड़ी अब नजदीक आ रही है और आचार्य महाश्रमण 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी ध्वल सेना के साथ भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। 2011 का चतुर्मास उन्होंने केलवा में किया और उस समय गुरुदेव भीलवाड़ा पधारे थे 4 दिन के प्रवास के लिए। और भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी, भीलवाड़ा की जनभावना और छत्तीसी कौम का जो नजारा उन्होंने देखा, तो उसी समय उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेवाड़ में जब भी चतुर्मास करूंगा, पहला चतुर्मास मैं भीलवाड़ा में करूंगा। उसके बाद में गुरुदेव ने 2012 में जसोल चतुर्मास किया, 2013 में लाडनू किया और उसके बाद गुरुदेव दिल्ली पधार गए 2014 में। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह का समापन राष्ट्रपति जी के तत्वावधान में हुआ और उसके बाद में गुरुदेव अपनी अहिंसा यात्रा का लाल किले से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, जो 2015 का चतुर्मास उन्होंने विराट नेपाल नगर में किया, 2016 का गुवाहाटी में किया, 2000 का चतुर्मास उन्होंने कलकत्ता में किया और 2018 का चतुर्मास उन्होंने चेन्नई में किया। उस समय भीलवाड़ा चतुर्मास करने की गुरुदेव ने वो घोषणा की कि मैं जो वहाँ वादा करके आया था 2011 में मेवाड़ का, तो मैं 2021 का चतुर्मास भीलवाड़ा में करने का मेरा भाव है। और फिर गुरुदेव 2019 में बेंगलोर पधार गए, उसके बाद में 2020 में गुरुदेव हैदराबाद चतुर्मास किया और वो समय अब हमारे सामने आ गया भीलवाड़ा वासियों के लिए। गुरुदेव 17 जुलाई को भीलवाड़ा की धरती में प्रवेश करेंगे और 18 को इस तेरापन नगर में चतुर्मास के लिए सुबह प्रातः 9 बजे राजस्थान में 8 तारीख को निम्बाड़ा पधारेंगे, जहां MP की सीमा समाप्त होती है और राजस्थान की सीमा चालू होती है। और 9 तारीख को वो चित्तौड़ पधारेंगे और 17 तारीख को भीलवाड़ा में प्रवेश और 18 को चतुर्मासिक प्रवेश के लिए तेरापन नगर में प्रवेश करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था समिति के संयोजक राजेंद्र भलावत ने कहा कि चातुर्मास समिति में जो प्रशासनिक जिम्मेदारी हमें मिली है उसको पूर्ण करने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर चातुर्मास में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे रहे हैं। आचार्य महाश्रमण ने इस चातुर्मास का स्वागत अध्यक्ष ऊंचा ग्राम निवासी महेंद्र ओस्तवाल को बनाया है। चातुर्मास व्यवस्था समिति ने हमें प्रशासनिक संयोजक बनाया राजेंद्र भलावत और हमारी टीम पूरी गठित हो चुकी है, बहुत अच्छा सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और यहाँ जितने भी प्रशासन में अधिकारी हैं, कलेक्टर, SP, अपने स्टेट लेवल के मंत्री, CM, विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला उनसे मिल के आए थे और काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं और इस चातुर्मास काल में भीलवाड़ा आने की पूरी उनकी संभावनाएँ हैं। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 11 जुलाई को पेटलावत में महाश्रमण जी ने कृपा करके हमारे समाज के बहुत ही श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्रीमान हरकलाल जी ओस्तवाल ऊंच खास निवासी ऊंचा के हैं और यहाँ पे उनके सुपुत्र महेंद्र जी ओस्तवाल और उनके लड़के पंकज, एकता, परवीन, नीतू जी, इन सबको मतलब महेंद्र जी ओस्तवाल को इस अपने 2021 के जो चातुर्मास है उसका स्वागत अध्यक्ष बनाया गया। आवास व्यवस्था समिति के संयोजक अनिल चोरड़िया ने कहा कि चातुर्मास को लेकर हमने आवास की सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया है। चातुर्मास में किसी भी श्रावक श्राविकाओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्य किया है। चातुर्मास में बनाए गए सभी भवनों में किसी भी व्यवस्था भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। इसके साथ ही आवास में खाना बनाने की भी व्यवस्था रखी गई है। अभी इन आवासों में 70% आवास की बुकिंग हो चुकी है। हमें लगता है कि जल्द ही हमारे यहाँ सभी आवासों की बुकिंग हो जाएगी, लेकिन हमने अलग से कई और व्यवस्था भी कर रखी है। उसके अंतर्गत हमने 2 BHK, 1 BHK कुटीर, 1 BHK अटैच लेट बाथ और डोरमेट्री, इन सब का निर्माण कार्य हमने स्टार्ट किया और हमने इनको बहुत भव्य बनाने की कोशिश करी है और इसके अंदर हमने इसको बहुत भव्य रूप दिया है। इसके अंतर्गत हमने 2 BHK और 1 BHK अंदर हमने जो कंस्ट्रक्शन, हमने जो इनकी डिजाइन करी है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी डिजाइन है और इसके अंतर्गत जितने भी श्रावक श्राविकाएं रहने वाले हैं उनको हमने सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने AC के रूम भी दिए हैं जिसके अंदर AC लगेगी। उसके अलावा 2 बेड, बिस्तर,
पलंग काफी जो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है उसके आधार पर दिया, और इसके अंतर्गत हम लोग एक बर्तन की भी एक सुविधाएं दी, जिसको कहीं पे भी यहाँ मतलब चातुर्मा स्थल में आने के बाद में अपने प्रवास स्थल में आने के बाद में उनको कहीं पे भी किसी भी चीज को लेने के लिए उधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, और जैसे वो यहाँ आएंगे अपना खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और काफी मात्रा के अंदर अभी श्रावक श्राविकाओं की बुकिंग आ रही है, अभी हमारे पास 70% से ज्यादा की इनकी बुकिंग हो चुकी है और भी अनवरत बुकिंग आ रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हमारे पास बुकिंग फुल हो जाएगी।